Hello friends, so welcome back to our today's video. Hope you all will be doing great. And today this is our part 3 video, which is direct to indirect speech changes in modal auxiliary. अब हम direct speech को indirect speech में बदलते हैं, उसमें के जो modal auxiliaries है उन्हें कैसे बदलेंगे, उन्हें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्या उनके उनके जगह कौन से अदर मॉडल ऑक्सिलरी यूज होंगे, अभी हम वो देखेंगे. सो इन प्रीवियस टू वीडियो यू हैव सीन चेंजेस इन प्रोनाउन, वर्ब एंड टेंसेस. दिस ऑल यू हैव सीन इन प्रीवियस टू वीडियोस. सो दिस इज पार्ट 3 वीडियो, विच इज चेंजेस इन मॉडल ऑक्सिलरीज. डायरेक्ट में है स्पीच, इनडायरेक्ट में बदलना है, मॉडल ऑक्सिलरी दिया है, तो आप इनडायरेक्ट में बदलते वक्त ये गिवन मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे बदलेंगे वो हम देखेंगे अभी. सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, सो डू नॉट स्किप द वीडियो. एंड जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट भी करिए साथ में, ताकि आपको वो जल्दी से ग्रास्प हो. सो video is going to be very useful, and before watching the video do not forget to subscribe our channel, like and share. So let's start. So changes in modal auxiliaries. First ye sare hamare kya hai, ye sare hamare modal auxiliaries hai. Okay, so ye sare hamare modal auxiliaries ho gaye. इसके मॉडल ऑक्सिलरीज को भी मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में. एंड मॉडल ऑक्सिलरीज पे मेरे चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड है, यू कैन सी दैट. ओके, सो लेट्स मूव कंटिन्यू. शाल, अब शाल आपको दिया है डायरेक्ट में एंड आपको कहा है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने को. तो शाल इट विल कन्वर्ट, इट विल बी रिप्लेस बाय वुड, शुड. Would or should in indirect speech. Shall के जगह हम क्या use करेंगे? Shall के जगह हम ये दोनों would और should use करेंगे. It depends on the sentence. Now will है. Second will है हमारे पास and आपको बदलने को कहा गया है. तो indirect speech में आप will के जगह लिखेंगे would. For example, let's see, I will play cricket. So ये हमारा direct speech हो गया and अब आपको बदलना है इसको. So ये हमारा ये will क्या है, हमारा modal auxiliary है, direct speech में है ये. अब आपको बदलना है तो आप लिखेंगे he said that he would play cricket. So ये हमारा direct speech में था and ये indirect speech में. So I will play cricket ये हमारा direct speech में हो गया and modal auxiliary हमारे पास will था. And अब आपको ये indirect में बदलना था, तो will का हमने क्या use किया, ये देखे would use किया है. I will play cricket indirect में he said that he would play cricket. So ऐसे ही आपको अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो डायरेक्ट स्पीच में एंड आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो आप कौन से अदर मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करेंगे करेंगे उसके जगह. सो दिस यू आर सीन. शाल का हो गया हमारे पास, शाल आएगा तो वुड और शुड. विल आएगा तो वुड यूज करेंगे हम. कैन आएगा, जब कैन आएगा आपको डायरेक्ट स्पीच में एंड आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो कैन विल बी रिप्लेस बाय कुड इन इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट मे, अगर आपको मे दिया है डायरेक्ट स्पीच में एंड आपको बदलना है वो इनडायरेक्ट में, सो मे विल बी रिप्लेस्ड बाय माइट. मे के जब आप क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. नाउ
must. If must it is given and you have to change it into indirect speech. So instead of must, you have to use must or had to. It depends on the type of sentence. हमें आपको बताया क्या गया उस पर depend होता है. Instead of must means on the place of must you have to use must or had to. Sometimes must or had to. Last is ought to. Ought to आपको दिया है direct speech में and आपको indirect speech में बदलना है. So ought to will be replaced by ought to or had to. Now ought to sometimes it come but और टू दिया है तो आपको ज्यादातर हैड टू ही यूज करना होता है. ऑल्सो यू कैन यूज हैड टू. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस. आपको बताया क्या गया है सेंटेंस में इस पे डिपेंड होता है. सो दिस वर ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरीज दैट आपको डायरेक्ट में दिया है एंड इनडायरेक्ट में बदलना है तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज की जगह आप कौन से अदर मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करेंगे. शैल बुरा शुड विल would. Can का use करेंगे can को replace करेंगे could के साथ. May को replace करेंगे might के साथ. Must को replace करेंगे must और had to के साथ. ought to और had to. So this were changes in modal auxiliaries in indirect speech. Now let's see some time adverbial changes. So let's see. So, अभी आपने क्या देखा changes in modal auxiliaries. Now what you are going to say is changes in time or place adverbial. अब आपको time mention हो place mention हो direct speech में and आपको वो indirect में बदलना है तो आपको वो जो time and place given है वो आप कैसे लिखेंगे. How you will mention that time and place in indirect speech. Now you are going to say that. So, this आपको दिया है सेंटेंस में. अब ये प्लेस मेंशन हो गया. दिस आपको दिया है इन डायरेक्ट स्पीच एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन टू इनडायरेक्ट. सो दिस इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच. दिस का क्या होगा दैट होगा. अब दीज जस्ट गाइज रिमेम्बर दैट इस दीज एंड ये दिस में डिफरेंस है. ये दिस इज ये वाला दिस जो है वो फॉर सिंगुलर नाउन हम यूज करते हैं एंड दिस सेकेंड वन दिस इज यूज फॉर प्यूरल नाउन. सो दिस हमारा हो गया दैट. ये दिस हो गया हमारा दोस्त के लिए. आपको दिस मेंशन हो डायरेक्ट में एंड आपको वो बदलना है इनडायरेक्ट में. सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दोस्त इन इनडायरेक्ट स्पीच. इट का आपका रहेगा इट ही. अब वो डायरेक्ट में हो इनडायरेक्ट में हो आपका इट का रहेगा इट ही. हियर हियर आपको दिया हो डायरेक्ट में एंड आपको वो बदलना है इनडायरेक्ट में. सो हियर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड देयर इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब दस दस गिवन हो एंड आपको वो इनडायरेक्ट में बदलना है. सो दस इट विल कन्वर्ट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड सो इन इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ दिया है आपको सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में एंड आपको वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो नाउ किस में कन्वर्ट होगा. नाउ को आप लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में देन. हियर जस्ट भी है आपको जस्ट एंड नाउ दिया होगा. ये दोनों वर्ड अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख गए तो जस्ट रिमेम्बर आपको देन मेंशन करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. दैट्स इट. अब नेक्स्ट आपको ये दिया हो एगो दिया हो डायरेक्ट स्पीच में एंड आपको इनडायरेक्ट में बदलना है. सो एगो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड बिफोर इन इनडायरेक्ट स्पीच. हाइदर दिया हो तो हाइदर यूज करेंगे. ये दिस इज नॉट अ मेन इट इज यूज समटाइम्स इन इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट आपको कम दिया हो इन डायरेक्ट एंड आपको वो बदलना है इनडायरेक्ट में. सो द कम विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड गो इन इनडायरेक्ट स्पीच. टुडे दिया हो तो ये रिप्लेस होगा दैट डे. इनडायरेक्ट में दैट डे हम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल
टुडे आई विल प्ले विथ फुटबॉल. सो ही सेड दैट ही वुड प्ले विथ फुटबॉल दैट डे. दैट डे आपने टुडे की जगह यूज किया. सो लाइक दिस यू हैव टू चेंज द टाइम एडवर्बियल इन इनडायरेक्ट. टुडे का क्या आ जाएगा? दैट डे इन इनडायरेक्ट स्पीच. टुमोरो दिया हो आपको तो टुमोरो का आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में. द नेक्स्ट डे क्या आएगा? टुमोरो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ब द नेक्स्ट डे इन इनडायरेक्ट स्पीच.